أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرینڈس آج ہم بنا رہے ہیں چکن چیز پراٹھا چکن پراٹھا پیزا پراٹھا بھی کہتے ہیں مارکیٹ میں جو ہمیں بہت مزیدار سا اویلیبل ہوتا ہے ہم بنائیں گے اس کو گھر کے ہیلدی انگریڈینٹس کے ساتھ ان اے کلین انوائرمنٹ لیٹس میک اٹ इस टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ पराठा डो जो है वो स्मूथ सी हो गई है स्मूथली हमारी डो बन चुकी है इस टाइम पर हम स्मॉल साइज़ बॉल बना लेंगे आपने स्मॉल साइज़ बॉल बनाने हैं छोटा पराठा बना लें तो बेहतर होगा इसके लिए टू बॉल्स फॉर ईच पराठा यानी कि हमें दो बॉल जो हैं वो एक पराठा बनाने के लिए रिक्वायर होंगे इसलिए स्मॉल साइज़ के बॉल्स बनाएँ और इसकी मदद से हम भल वाला पराठा बनाएंगे पहले रोटी को बेलने के बाद दोनों साइड्स पे हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर लेंगे ब्रश की मदद से कर लें तो अच्छा रहेगा क्योंकि थोड़ा सा ही ऑयल हमें लगाना है ऑयल स्प्रेड करने के बाद हम इसमें हल्के हल्के कट्स लगा लेंगे डीप कट्स ज़रूरी नहीं हैं I will do the same with other side of paratha. कस लगाने के दौरान अगर आपका पराठा थोड़ा सा हिल भी जाता है तो इट्स ओके क्योंकि हमें इसको एक दफ़ा और बेलना है बॉल्स बनाने के बाद मैं इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रखूँगी उतना टाइम काफ़ी होगा जितनी देर में आप एक और पराठे के लिए जो है वो बॉल बना लें जो बॉल मैंने रेडी करके रखे थे भल वाले पराठे के लिए अब मैंने उसको भी बेल लिया है आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर हमें लेयर्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं दोनों साइड्स को मैंने बेल लिया है एक दफ़ा फिर इस पर ऑयल स्प्रेड करेंगे ब्रश की मदद से और फिर हम इस पर चिकन टॉपिंग करेंगे जी तो इस पराठे के ऊपर हम स्मोकी चिकन की टॉपिंग करेंगे सबसे पहले जितना आप चाहें उतना चिकन ऐड कर सकते हैं चिकन टॉपिंग करने के बाद इस पर हम थोड़ी सी चीज़ ऐड कर लेंगे मोज़रेला चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ मैंने रेफ्रिजरेटर से कब से निकाल के रखी हुई थी इसलिए वो थोड़ी सी मेल्ट हो गई है बट इट्स ओके चीज़ ऐड करने के बाद जो हमने दूसरी रोटी बनाई थी उसको इसके ऊपर रख देंगे जो ऑयल वाली साइड थी वो हम इनसाइड रखेंगे आउटसाइड जो है वो ड्राई वाली होगी आप देख सकते हैं कि सेंटर में चिकन जो है वो अच्छी तरह से दिख रहा है काफ़ी हेल्दी पराठा बना है हमारा दूसरे पराठे को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे बच्चों को ये पराठा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं घर पर हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ क्लीन एनवायरनमेंट में आप जो है खाना बनाएं और अपना और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें
स्मोकी चिकन की रेसिपी और डो मेकिंग की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, मस्ट वॉच इट। अगर इस तरह से डो बनाई जाए और ये स्मोकी चिकन हैव अ रियली अमेजिंग टेस्ट, आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। यहाँ तवे पर मैंने जो है वो थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लिया है। ऑयल जो है वो पराठे में ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, डो बनाते हुए भी हमने ऐड किया था, इसको बेलते हुए भी हमने ऐड किया था, इसलिए मैं जस्ट ब्रश कर रही हूँ। हमारा जो है तवा वो गर्म हो चुका है, अब इस टाइम पर मैंने इस पर पराठे को डाल दिया है। इसको डालने के बाद थोड़ा सा आप हल्का सा प्रेस करते जाएँ, उसको मूव करते जाएँ। अभी फर्स्ट साइड है इसलिए मैं इसको हाथ से कर रही हूँ। जब हम इसको अपसाइड डाउन कर देंगे तब हम एक स्पैचुला की मदद से मूव करेंगे, और इस स्पैचुला की मदद से मूव करने से बहुत ही खूबसूरत कलर जो है वो पराठे के ऊपर आ जाता है। जब भी आप इसको अपसाइड डाउन करें, इसको पलटें, तो उस पर ऑयल जो है वो ब्रश करते जाएँ। स्पैचुला की इस मूवमेंट से जो है पराठे पे बहुत ही खूबसूरत डॉट्स पड़ जाते हैं, बहुत खूबसूरत पकने के निशान बन जाते हैं। अगर आप इस मूवमेंट से बनाएंगे तो पराठा की जो है वो खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। जी तो हमारी एक साइड पराठे की वो रेडी हो चुकी है, दूसरी साइड भी बस पकने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इट इज़ अ कंप्लीट मील, इसको ब्रेकफास्ट में लें, बच्चे को लंच बॉक्स में रख के दें, इंतहाई मज़ेदार पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं इन अ न्यू वीडियो विद अ न्यू रेसिपी, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।